खेसारी लाल जी और खेसारी लाल जी के टीम के आदमी जब स्ट्रांग होते हैं तो किसी दूसरे को नीचा दिखाने के काम करते हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जान लीजिए, मेरा नाम है नेहा। जी हाँ, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल जी और खेसारी लाल जी के टीम के आदमी जब स्ट्रांग होते हैं तो पवन सिंह जी को नीचा दिखाने के काम करते हैं। जब फंसते हैं तो पवन सिंह जी से ही मदद मांगते हैं। ऐसे ही खेसारी लाल जी की और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का केस का मामला चल रहा है, तब खेसारी लाल जी लाइव आकर पवन सिंह जी से मदद की गुहार लगा रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस आदमी को आप नीचा दिखाते हैं उसी आदमी से बाद में मदद मांगते हैं। और खेसारी लाल जी और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो केस का मामला चल रहा है कि खेसारी लाल यादव अब कोई भी कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए ही गाना गा सकते हैं, तो खेसारी लाल जी लाइव आकर पवन सिंह जी से मदद मांग रहे थे। जब खेसारी लाल यादव के टीम के आदमी को कुछ होता है तो लाइव आकर मदद मांगते हैं, पवन सिंह जी को ही नीचा दिखाते हैं। जब फंसते हैं तो पवन सिंह जी से ही मदद मांगते हैं। पवन सिंह जी से मदद आप लोग को नहीं मांगना चाहिए। जिस आदमी को पहले आप नीचा दिखाते हैं उसी आदमी से बाद में आप मदद मांगते हैं। वैसा ही खेसारी लाल यादव जब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से अभी फंसे हुए है, खेसारी लाल जी का और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का केस चल रहा है और वहीं पे खेसारी लाल यादव लाइव आकर मदद मांग रहे हैं पवन सिंह जी से, और पवन सिंह जी को ही नीचा दिखाते हैं। ये तो बात है कि खेसारी लाल जी के टीम और खेसारी लाल जी जब स्ट्रांग रहते हैं तो पवन सिंह जी को नीचा दिखाने का काम करते हैं। जब उन पे कुछ मुसीबत आता है तो वही लाइव आकर पवन सिंह जी से मदद मांगते हैं। और इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, अपना राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।